नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी एक्सरसाइजेज रहेंगी, ये मैं कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेज करके दिखाऊंगी एंड कुछ जो है स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज रहेंगी। अगर इन एक्सरसाइजेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक तो हमारा कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा एंड जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, चाहे थाइस का एक्स्ट्रा फैट हो या फिर लेग्स का या हमारा टमी का या फिर साइड वेस्ट का फैट या फिर हमारे आर्म पिट का या एक्स्ट्रा फैट, वो तो बर्न होगा ही, बल्कि कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, साथ में हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग हो चाहे बैक बेंडिंग हो। तो मैं वो सब करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को जो है पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, तो मिलने वाला जो अच्छा रिजल्ट है वो मिस हो जाएंगे। तो मेरा जो पहला एक्सरसाइज रहेगा, हम पहले फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच करेंगे। तो उससे पहले जो है मेरा जो एक्सरसाइज रहेगा, मैं थोड़ा सा एंकल स्ट्रेंथ प्लस हमारा आर्म्स को रेज करते हुए ये एक्सरसाइज करूंगी। तो ये मेरी तड़ासनासन एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि पैरों में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बल्कि हमारा जो थाइज लेग्स एंड हमारा आर्म्स फिट का जो एक्स्ट्रा फैट वो भी बर्न होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, हैंड्स को रेज करते हुए अप करें, लेग्स का इक्वली डिस्टेंस अपार्ट करें, थोड़ा सा हाफ अपने पैर का गैप बनाते हुए रखें एंड हैंड्स को रेस करते हुए अपने एंकल्स को भी थोड़ा सा ऊपर उठाना है, पैरों के पंजों को ऊपर उठाना है। हमारा जो वेट रहेगा पैरों के टोज पे रहेगा, इससे क्या होगा कि हमारा बैलेंस इंप्रूव होगा प्लस हमारा कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। एक्सेल, तो ये सेम रिपीटेशन करना है, 1 2 3 ब्रीदिंग के साथ करें, 4 5 6 7। पहले जब मेरे हाथ जाएंगे ऐसे बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ करना, ठीक है। 7 8 9 10 10 मोर, 10 9 8 7 6 5 3 3 2 1 स्ट्रेच अप, साइड करें अपना स्ट्रेच, दोनों हैंड्स को स्काई की तरफ करें, स्ट्रेच करते हुए होल्ड करना 5 सेकंड के लिए एंड फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वापिस। तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज, इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे एंकल में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, पैरों में जो जकड़न अकड़न सी हो जाती है वो भी इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पैर काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपका स्टैंडिंग जॉब है, आप खड़े खड़े काम कर रहे हैं या फिर आपका मीन्स खाना बना रहे हैं तब भी आप खड़े रह रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे तो इस तड़ासन के थ्रू जो है थोड़ा वॉक भी करते हैं तो अभी उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा। अगर तो पैरों में दर्द वगैरह हो जा रही है तो उससे वो ठीक होगा। हम पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है काफ़ी वार्म अप हो जाएगा, स्ट्रेचिंग लेंथन एक्सरसाइजेज हो रही है तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होगा। तो इस एक्सरसाइज के क्या करना है, 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड उसको कम्प्लीट करना है। ब्रीदिंग के साथ करें, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल जब आप करें एंड एक्सहेल मींस डाउन करना है, तो उस तरह से फॉलो करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, अगर मैं भी थोड़ा सा बैक बेंडिंग करूँगी फिर से वापस आना है, पहले आपने देखना है फिर परफॉर्म करना है। दोनों हैंड्स को तड़ासनासन की स्थिति में रखते हुए शोल्डर को ऐसे बाहर की तरफ निकालें, उठना हंसता उठाना आसन, थोड़ा सा हैंड्स को बाहर लेके जाएं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपका थर्ड जो स्टेप रहता है, सेकंड स्टेप वो आपने करना है, तो उसी का मैं प्रैक्टिस करूँगी। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि आर्म पिट का एक्स्ट्रा फैट, हमारा वेस्ट का एक्स्ट्रा फैट, टमी का, लेग्स का बैलेंस इंप्रूव होगा, बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो एंड हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। धीरे से रेज करें, तो आपका यहाँ पे आर्क बनेगा, इससे क्या होगा कि हमारा बैक बेंडिंग इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप वेरिएशन करेंगे चक्रासन आसन या व्हील पोज, उसके लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा जो फैट है वेस्ट का वो भी इससे बर्न होगा। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। इनहेल,
जितना आपसे हो पा रहा है इतना भी होगा, इतना भी होगा, इतना भी हो, जितना आपसे हो रहा है उतना करें, जबरदस्ती पुश ना करें ताकि हमारा बैक पे स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। Five, six, seven, eight, nine, ten more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Four, three, two, one. हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे अर्थ पे। वापिस नॉर्मल ब्रीदिंग। हमने ये वाला एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल में है, मेरा थोड़ा सा बैक बेंडिंग था, मैंने बॉडी को लेके गई हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप बैक सपोर्ट दें, ऐसे आपका हैंड रहना चाहिए, दोनों जो है पाम जो है आपस में टकराने चाहिए। तो आपने क्या करना, होल्ड करना है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में लेग्स को आप पार करें, ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, सिर्फ पैर का फासला रखें एक पैर का, एंड फिर पुश करना है ऐसे, आपका लेग्स जो है उनको ज्यादा बेंड ना करें, मीन्स ऐसे ना झुकाएं, आपका शेप बनना चाहिए ऐसे ऐसे करते हुए, एंड धीरे से अपने नेक को डाउन करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है इतना ही हो, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए लूज करना है, एंड होल्ड। नेक को ज्यादा झटका नहीं देना है, आराम से करना है, बैक सपोर्ट जरूर दे ले, धीरे धीरे परफॉर्म करें जितना भी आपसे आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। बाद में धीरे धीरे उसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा डीप जा सकते हैं, उसके बाद जब हमारा आधा चक्रासन जब हो जाए तो आप उसको कंप्लीट भी करेंगे, जो कि मैं आने वाले वीडियोज में बताऊंगी कैसे करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, एंड हमारा बॉडी जो है पीछे की तरफ जा रहा है, हमारा नेक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, पूरे जो शोल्डर जो है वो पीछे की तरफ मूव होंगे, एंड उनमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, हमारा चेस्ट जो है लंग्स जो है एक्सपैंड होंगे, इससे क्या है ऑक्सीजन अच्छे से पास होगा, एंड स्पाइन स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, बट प्रिकॉशंस के साथ ही आपने करना है। एंड हमारा लेग्स में जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, थाइस लेग्स जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट वो बर्न होगा, हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, प्लस हमारा बैलेंस भी इंप्रूव होगा। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के जो है 20 के जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, थर्ड एक्सरसाइज, अगर मैंने बैक बेंडिंग की है तो मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग भी होना चाहिए, जिससे क्या है कि मुझे दोनों साइड से बेनिफिट मिले और अगर काउंटर स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला स्ट्रेच करते हैं तो इससे क्या होगा, थाइस लेग्स एंड हमारा आर्म पीठ का जो एक्स्ट्रा फैट है, टमी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगा, बल्कि कोर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो दोनों हाथों को रेज करते हुए इक्वल डिस्टेंस में आप लेग्स को वाइड करें एंड अच्छे से रेज करें सामने की तरफ देखते हुए, दोनों हैंड्स को पहले 90 डिग्री के एंगल में रखें, थोड़ा सा बॉडी को आगे लेके आना है, 90 डिग्री का एंगल बना के रखें, स्ट्रेच करें, एंड धीरे से जो है अपने हैंड्स को जो है फ्लोर के साथ टच करना। स्टार्टिंग में हो सकता है ना हो, इतना हो या इतना हो,
इतना हो बिल्कुल स्ट्रेच करना लेग्स यहाँ पे जो है, अगर इतना हो रहा है तो स्टार्टिंग में इतना रखें और कोशिश करना कि लेग्स का जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट जाना चाहिए, ठीक है। एंड बॉडी को आगे की तरफ करते हुए कोशिश करें कि अपने हैंड जो है फ्लोर पे टच करें, स्टार्टिंग में थोड़ा बेंड करें, फिर जब आपके साइड में लगे हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेच करें, अपने हेड को डाउन करें, जिससे क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे यहाँ पे हेड पे आए, इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है काफ़ी काम हो जाएगा, रिलैक्स मिलेगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा एंड बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इससे नींद भी अच्छी आएगी। तो ऐसे आपने कंप्लीट करना है, धीरे से वापस जाना है एंड इस तरह से मेरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो आपने फिर से स्टार्ट करना है फ्लो के साथ, इनहेल एक्सहेल। थ्री टू फोर फाइव सिक्स, फिंगर्स आप खुला भी रख सकते हैं, आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। सेवन एट नाइन टेन, टेन मोर, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन, होल्ड एंड अपने पैरों को होल्ड करें, अपने हेड को जो है डाउन करें, होल्ड। पैरों को टच करें, अपना वेट जो है पैरों पे ना डालें, थोड़ा सा फिंगर टो को जो फ्लोर पे टच करते हुए ऐसे आप रखें अपनी बॉडी को, थोड़ा सा अर्थ बनाएं, जिससे कि बैक को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, जिनको बैक प्रॉब्लम है या दर्द है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस पोजिशन में रखते हैं खुद को तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। कम्प्लीट, तो इस तरह से मेरा ये वाला एक्सरसाइज कम्प्लीट हुआ। इससे क्या रहेगा, एक तो हमारा बैलेंस इम्प्रूव होगा, बैक पोस्चर सही होगा, अगर बैक पोस्चर ऐसे हो गया है तो उसको सही करने के लिए ये वाला एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। प्लस हमारा पेट का जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ फैट है वो भी इससे बर्न होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अगर ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो हमारा हमारी बॉडी में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के भी आपने 20-20 की जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कम्प्लीट करना है। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज आपने क्या करना है, लेग को ऐसे इक्वल डिस्टेंस में रखें, ठीक है। एक को थोड़ा बेंड करें एंड एक को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट रखें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने हैंड्स को डाउन करूँगी ऐसे रखते हुए, ठीक है। ये दोनों हैंड्स जो है लेग से ऐसे क्रॉस करवाएं, लेग को ऐसे रखें एंड थोड़ा सा स्ट्रेच करें अप डाउन। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, प्लस हमारे जहां जहां का जो एक्स्ट्रा वेट है वो भी वन होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और सेम रिपीटेशन बोथ साइड से, हैंड को ऐसे अंदर के साइड करना है, लेग को बाहर के साइड करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। एंड
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन होल्ड। थोड़ा सा प्लैंक पोजिशन बनाए, बॉडी को आगे की तरफ करते हुए अपने हैंड्स को ऐसे रखें। अगर आप ये वाला आसन भी अगर आप करते हैं तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा प्लस और स्ट्रेंथ के साथ साथ जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो भी बर्न होगा। तो हमने ये वाली एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर बॉडी थक जाए तो आप ऐसे वज्रासनासन की स्थिति में बैठे थोड़ी देर, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज की क्या करना है, आपने 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही, आई होप आज का जितना भी मेरा वर्कआउट था आपको काफ़ी हेल्प करे एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, बल्कि कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। धीरे धीरे करें एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप ले लें उसको क्या करना है 100 टाइम करना है। थोड़ा सा जब थक जाए बॉडी तो आप क्या करें 10 सेकेंड 20 सेकेंड का ब्रेक लेके आप फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देना है, हेल्दी डाइट ले एंड आउटसाइड फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें। ऑयली स्पाइसी सॉल्टी एंटी एंड कोफाइन को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने का कोशिश करें, मीन्स उसका थोड़ा सा क्वांटिटी जो है उसको थोड़ा सा कम करें, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप ऐसे रूटीन बनाएंगे तो आपका हैबिट जो है अच्छा हो जाएगा। और आपने 3 से 4 लीटर जो है पानी पीना है, फाइबर एंड प्रोटीन से लिड ही फूड खाएं, एक्सरसाइजेज आपने करते रहना है, 1-2 घंटा जरूर वॉक करें, जिससे वॉक करने से आपका जो है बॉडी काफ़ी फिट एंड फाइन हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बैठे ना, थोड़ा सा वज्रासनासन की स्थिति में बैठे से खाना जल्दी पचता है, या फिर वॉक कर लें। एंड ज़्यादा देर चेयर पे ना बैठे, अगर आप ऑफिस में वर्किंग हैं तो 20 मिनट के बाद आप ब्रेक लेके आप फिर से कर सकते हैं 5 मिनट का गैप लेके। एंड मॉर्निंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम खाली पेट प्रैक्टिस करें, एंड इवनिंग में जब प्रैक्टिस हो रही है तो उसमें भी जो आप 5-6 घंटे का गैप मेंटेन करके चलें, एंड आफ्टरनून में भी कर रहे हैं तो उसमें भी खाना खाने से पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, जिससे क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस करना है, जब भी मैं अपना लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ या जब भी मैं लाइव आती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करेंगे, आप देख पाएंगे। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक भी करें एंड प्लीज फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे क्या है कि वो भी ये वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।